अभी शाम के 4 बज रहे हैं और ये जो लोकेशन देख रहे होंगे इससे आप जान ही गए होंगे कि मैं अभी किसी गांव में आया हुआ हूं। और ये जो गांव है ये मेरा नानी घर का है। आइए यहां का सारा कुछ दिखलाते हैं, कैसे है, कहां है, सारा कुछ इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखने को मिलेगा। और मेरा यहां आने का मेन मकसद यही है कि मेरे भैया का शादी का फंक्शन आज से चालू हुआ है। आइए ब्लॉग में बने रहिए, सारा कुछ दिखलाते हैं। अभी हम आम का बगीचा के साइड आए हुए थे वीडियो शूट करने। वैसे यहाँ तो नेटवर्क है ही नहीं, भले अभी वीडियो शूट हो जा रहा है पर ये वीडियो अपलोड होने में अभी 2-3 दिन लगेगा। बगीचा के साथ साथ इधर जंगल ही जंगल है, आप देख ही रहे होंगे। और इस जंगल के ऊपर भी एक गांव है छोटा सा, मतलब बस्ती है एक तरह से। आइए अभी आप लोगों को मैं ले चलता हूँ, नानी का घर दिखलाता हूँ कैसा है। और साथ में आप लोगों को ये बतला देता हूँ कि ये जो गांव है चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे और नाम भी वैसा ही है इस गांव का, सन्या कोना ये पड़ता है आपका राइडी में। आइए चलिए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ। जो ऊपर बोले थे उसका नाम बिस्कट्ठा है। उधर पूरा पहाड़ के ऊपर ही पूरा प्लेन समतल एक जगह है, अगर समय मिलेगा तो आप लोगों को वहाँ भी ले चलेंगे, पर वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखलाएंगे। अभी चलिए पहले दिखलाते हैं। यहाँ से बस्ती चालू होता है, टेंट भी लगा हुआ है, सारा फिनिशिंग हुआ नहीं है अभी। चल उन्हें एक बार आओ थो मैं एगो बना आओ थो उन्हें ले आओ था आओ था आओ। तो ये मेरा बचपन का दोस्त था, पहले यहाँ गर्मी का छुट्टी यहीं एंजॉय करते थे, यहीं पे टेंट लग रहा है, अभी सारा डेकोरेशन हो रहा है। उधर मम्मी, बड़ी मम्मी लोग थी और नानी। अरे उतराल है कहीं रखल होगी। अभी बारी आए हुए हैं यहीं पे, जो खस्सी लाए हुए हैं हम लोग, इधर नेवता लाते हैं, घर वाला नेवता लाता है तो खस्सी को लाया हुआ था, खस्सी को चराने के लिए लाए हैं। आइए दिखलाते हैं, बहुत
बड़ा सा बेल का पेड़ है। वो बड़े मम्मी का बेटा है वहां पे। ये पास से दिख रहा है, ये रहा बेल का पेड़। पूरा दुनिया के दिखाए के नहीं, यहाँ नेटवर्क नहीं रह रहे। रात हो गया सारा, अभी बनते ही है डिजाइन। आइए दिखलाते हैं। कहाँ है, कोई काम नहीं कर रही, मुख्य सब काम कर रही है। वो व्यवस्था करते हैं, वो व्यवस्था करते हैं।